सभी को सुप्रभात। मैं शिष्यपाल मैं हिंदी साहित्य बी ए पाठ अर्ध हिंदी साहित्य आधुनिक काव्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे सुमित्रानंदन पंत का प्रकृति चित्रण हम पढ़ रहे थे। प्रकृति चित्रण के अंतर्गत सबसे पहले इनकी रचना आई थी हमारे जो पाठ्यक्रम में है मौन निमंत्रण। एक अज्ञात सत्ता को अपनी ओर आकर्षित करते हुए महादेवी वर्मा ने इस जो मौन निमंत्रण है इस कविता में बताया कि सारा संसार जब निद्रा में सोया हुआ है तो उस समय हमारे कहते हैं कि पलकों पर विश्व के चित्र सामने आ जाते हैं उभरते हैं और इस प्रकार सोए हुए सब संसार सोया हुआ है और मेरे पलकों पर शिवपल विचरते हैं और कहते हैं मुझे आसमान में विद्यमान तारा आसमान में जो तारा विद्यमान है उसके माध्यम से कोई संकेत मिल रहा है निमंत्रण दे रहा है मुझे बुला रहा है। तो अज्ञात सत्ता प्रकृति के जो भी परिवेश है वो उनको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। सुमित्रानंदन पंत ने मौन निमंत्रण में बताया फिर बताया कि देख वसुधा का यौवन भार देख वसुधा का यौवन भार गूंज उठता मधुमास और फिर बताया गूंज उठता मधुमास विदु उर्के से मृदु उद्गार कुसुम खिल पड़ते सुश्वास न जाने सौरभ के बीच मुझे बुलाता मुझे संदेशा भेजता है मौन। फिर प्रकृति में बताया कि जैसे मधुमास आता है बसंत ऋतु आती है बसंत ऋतु में बताया कि इस धरा के जितने भी लताएं हैं पेड़ हैं वो अपने यौवन के भार से झुक जाते हैं। लताएं किसी का सहारा लेते हुए झुक जाती हैं और फिर आगे बताया कि बर्मन आकर उन्हें उस पर अपना गुंजार करते हैं चारों तरफ से सुगंधित भरा हुआ वातावरण और इस वातावरण में फूल से व्याप्त जो खुशबू है उस खुशबू के माध्यम से मुझे अज्ञात सत्ता की ओर संकेत कर रही है। वो खुशबू वो सुगंध मुझे मेरे को बुला रही है मेरे को मौन निमंत्रण दे रही है। तो ये हमने पढ़ा मौन निमंत्रण। हमने कल चर्चा की थी कि इनकी दूसरी रचना है एक तारा और उसमें भी हमने जो प्रथम इनका पद है उसमें एक तारा में बताया कि संध्या के समय संध्या हुई उस समय का वातावरण हमारा हमारे सामने प्रस्तुत किया कवि ने कि संध्या के समय उस अवसर पर जो परिवेश है वो एकदम शांत हो जाता है ग्रामीण परिवेश एकदम शांत हो जाता है और संध्या के समय जो पेड़ जो पक्षियों के चलने की पैरों की जो आवाज़ है वो भी छिल पड़ जाती है उस रास्ते से जिस रास्ते से गायों का झुंड आया पक्षी चहल चलाने की आवाज़ वो सब क्या पड़ जाती है मदम पड़ जाती है। तो कवि ने बताया फिर आगे बताया कि जो रास्ता सबसे पहले जो रास्ता दिखाई देता था अब वो रास्ता किस प्रकार से दिखाई देना शुरू कर देते हैं गोपद अब धूलिहीन पहले गोपद से वो जो धूल से भरा हुआ था अब वो रहित हो चुका है अब जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। जैसे जैसे संध्या बढ़ती जाती है तो वो रास्ता इस प्रकार से दिखाई देता है जिस प्रकार से बताया कि भोजन सा जिन्ह छीण भोजन यानी सर्फ टेढ़ा बल्ली होता है इसी प्रकार वो रास्ता भी टेढ़ा दिखाई देता है। अब उस समय एक ही आवाज़ आती है वो झिंगूरों की आवाज़ व्याप्त होती है सभी एक चर तरफ से शांत वातावरण में वो झिंगूरों की आवाज़
इस प्रकार से आती है कि हमारा जो हृदय है उनको बेचैन करती है। जो भेद रहे हो आर पार, इस प्रकार से लगता है जिस प्रकार से हमारे हृदय के इस पार से उस पार की ओर छेद करती हुई जोरों की आवाज़ बेचैनी पैदा करती है। तो यहाँ संध्याकाल की जो प्रकृति है उसका मनोहारी चित्रण यहाँ कवि सुंदरानंद पंत ने प्रथम पद में किया था। फिर बताया था कि हमारी जो आकांक्षाएँ हैं वो पूर्ण नहीं हो पाती, इसलिए हमारा हृदय है वो क्या रहता है, व्यथित रहता है, बेचैन रहता है। जब हमारी आशाएँ हमारी आकांक्षाएँ पूर्ण नहीं होती तो हम बेचैन रहते हैं, इस पद में ये भी बताया संकेत दिया है। अनुप्रास यमक अलंकार के माध्यम से हमने पहला पद कल इसके से प्रसंग व्याख्या की थी, आप आज उनको आप सचेत करने के माध्यम से आपको बताया। आज हम दूसरा यानी का जो पद है वो मैंने श्याम पट पर लिख के आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो क्या बताए हैं, अब हुआ संगे, अब हुआ संगे सरना ले, अब हुआ संगे सरना ले, सब वर्ण वस्तु से विसर ही गंगा के जल जल में निर्मल तुम फैला अपने मृत्यु दल, लहरों पर समवेग सुंदर पड़ गई नील जो अद्रों पर और अरुणाई कक्खर शिशर से डर तरु शीघ्रों से वे सवन गृह उठ गया खोल निज पंख सुभंग किस गुहा नील मेरे किस मग किस गुहा नील मेरे किस निज पंख सुभंग। फिर बताया है मृत्यु मृत्यु श्यपन से भर चंचल नव नील नील कोमल कोमल छाया त्रुवन में तम श्यामल, अब हुआ संगे सवर्णा ने। अब पहले संध्याकाल काल के अवसर का हमने वर्णन किया, अब दूसरा इनका ये पद है उसमें कवि ने एक तारा कविता के माध्यम से जो संध्या के बाद रात्रि शुरू होती है उसका वर्णन किया है। संध्या के बाद में रात्रि शुरू होती है उसके बारे में यहाँ वर्णन किया है। तो कवि क्या बताए हैं, अब हुआ संगे सरना लील, कहते हैं अंधकार उनकी पहले बताया है कि संध्या ढल जाने के बाद जैसी रात्रि शुरू होती है और उस रात्रि में उनकी सरनिप आप है वो एकदम क्या होगी छिल पड़ चुकी है। पहले सवर्ण किरण की भांति सब धरा पर किरणें सूर्य की पड़ रही थी वो छिल हो चुकी है। जैसे आपने प्रसाद की रचना है शायद वो पढ़ी होगी कि दिवासन का समय समीप तरुषि का परराज थी, तो ये यहाँ बताया है। आयु क्या बताए, सब वर्ण वस्तु ने ही कहते हैं जैसे ही संध्या व्यतीत के बाद रात्रि शुरू होती है उस समय का वर्णन प्रस्तुत करते हुए यहाँ सुमित्रानंद पंत बता रही हैं कि अब जो सवर्ण किरण थी वो एकदम छिड़ पड़ चुकी है और अंधकार फैल जाने से क्या बताए, सभी जो पदार्थ है पदार्थों के रंग रूप है वो एकाकार की स्थिति आ गई, सभी एक जैसे शुरू हो गए। अंधेरे में कोई वस्तु है उसका जो रंग है वो एक जैसा ही दिखाई देता है सभी का, जब प्रकाश न हो तो कहते हैं कि सब वर्ण वस्तु में ही सारी जो पदार्थ वस्तु में है वो एक रंग में क्या होगी लीन हो चुकी है। आगे बताया फिर प्रकृति का वर्णन करते हुए सुंदरानंद पंत कह रहे हैं कि गंगा का जल था तो निर्मल था पाक था पवित्र था कुमलासा किरणों का रखता पर उनमें जो जल में जो उनका चंचल जल था वो मुरझाई हुई लाल किरणों का सा लग रहा था। रात्रि के समय लाल किरणों का सा लग रहा था उनके जल के जो लहरें थी वो इस प्रकार लगी जिस प्रकार से कमल की पंखुड़ियाँ हो कमल का दल हो कमल के पुष्प को लाल
लाल लाल दिखाई देने लग गया। कुमलहसा किरणों सारा टोकर कमल की भांति वो जल दिखाई देने लग गया रात्रि के समय। है मूल कृपा अपनी मधु जल, जिस प्रकार से कमल का फूल रात्रि में अपने जो पुष्प का जो दल है वो समेट लेता है, इसी प्रकार गंगा का जल है वो अपने आप को क्या कर लिया, लपेट लिया। मैंने कल भी आपको बताया था कि आप प्रकृति के साथ रम जाओ, आप जब इनके साथ रम जाओगे तब उनको महसूस करोगे। आप जैसी संध्या होती है उस समय एकांत में जाके पेड़ की स्थिति को देखना, जैसे मानव क्रिया ही करते हैं उसी प्रकार से ये पेड़ पौधे भी करते हैं। हम भी अपने जैसे अपने विश्राम करते हैं, हम भी विश्राम करते हैं। और संध्या के समय आप एकांत में बैठना, जैसे संध्या के बाद थोड़ी थोड़ी स्थिति आती रात्रि से शुरू होती है, उस समय जाके देखना कि अगर चारों तरफ से सुनसान जगह होती है और एक पेड़ होता है, उस पेड़ पर भांति भांति के पक्षी आके बैठ जाते हैं और अपनी रात्रि व्यतीत करते हैं। और पक्षी बैठ जाते हैं, उस पक्षी भांति भांति के पक्षी होंगे तो कोई आवाज़ करता है, कोई बोलता है, कोई चुपचाप बैठा होता है। और जैसे ही संध्या हुई, सूर्य उदय हुआ, वो वहाँ से उठ जाते हैं। वो कहते हैं ना, गुरबानी में भी एक पंक्ति आती है कि वृक्ष हेठ सब जंत कट एक तत्ते एक बोलन मीठे, वृक्ष हेठ सब जंत कट्ठे एक तत्ते एक बोलन मीठे, उष्ट उदुत भेट चले जो जो अवध बिहानियाँ। कि उजाड़ के अंदर दरकत होता है, उसमें पक्षी आके बैठ जाते हैं, कोई बोलता है, कोई आवाज़ मधुर निकालता है, कोई कड़वी आवाज़ निकालता है कौवा जैसा। और जैसे संध्या जैसे सूर्य उदय हुआ वो सारे उड़ जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ रात्रि का वर्णन करते हुए सुमित्रानंदन पंत कह रहे हैं कि गंगा का जल वो कि चंचल जल था और वो उसमें चंचलता नहीं रही है। उन वो गंगा का जल ऐसे लग रहा है जैसे गुलाब का क्या हो पुष्प हो, और गुलाब के पुष्प जैसे रात्रि आती है तो अपने जो पत्तों का दल है वो अपने आप को क्या कर लेता है, सिमेट लेता है। इसी प्रकार गंगा का जल अपने आप को क्या कर लिया, सिमेट लिया है। अब देखो मुंह चुका है अपने दल, लहरों का सपने सुंदर, जो लहरें वहाँ चल रही थी उन पर जो लहरें पड़ रही थी वो बहुत सुंदर लग रही थी। कवि की कल्पना है यहाँ पे, वो ऐसा लग रही थी जैसे लालिमा लिए हुए। तो यहाँ नायिका रूपी प्रकृति का चित्रण करते हुए पंत जी कहते हैं कि ये जो लहरें हैं ये नायिका के क्या है, आदर है, वो भी क्या है, कैसा आदर लालिमा लिया हुआ। तो आया है ना लहरों पर स्वर्ण रेख सुंदर, जिस प्रकार लहरों पर उड़ती हुई स्वर्ण आभासी दिखाई देती है, पड़ गई जो नील अधरों पर। जैसे जैसे रात्रि हुई तो लहरों का जो रंग है वो नीला पड़ गया। तो कवि कहते हैं कि नायिका रूपी गंगा है, गंगा का जो लहरें हैं वो उसके आदर है, आदर अब उनके लालिमा युक्त था, अब लालिमा युक्त न रहकर वो क्या पड़ गए हैं, नीले पड़ गए हैं। रात्रि में पानी जो गंगा का है वो कैसा दिखाई देगा, नीला। तो नीला अधरों पर अरुणाया शिष्य पर फिर बताया है कि ये इनके जो आदर है, इनके होठ है, वो नीले कैसे पड़े। कहते हैं कि सर्द ऋतु है, सर्द शिष्य ऋतु यानी सर्द ऋतु में सर्दी के कारण, सर्दी के कारण पानी का जो पानी जल है या उनके जो बताए यहाँ लहरें हैं वो इस ऋतु से डर कर कहाँ पे आ गए, अधरों पर आ गए, इसलिए उनके अधर है वो नीले हो चुके हैं। अब देखो आगे बताया कि कल उसी रोम पर सवर्ण विहार को गया, पहले जो सूर्य की किरणें धरातल पर पड़ रही थी, फिर जैसे जैसे सूर्य अस्त हुआ वो किरणें पेड़ों के चोटियों पर दिखाई दी। कवि की कल्पना है कि वो चोटियों पर किरणें दिखाई दे रही है, वो सवर्ण सवर्णिम रूपी पक्षी है। अब क्या है कि जैसे संध्या व्यतीत के बाद में रात्रि शुरू होती है तो वो किरणें रूपी पक्षी है, सवर्ण रूपी पक्षी है, वो वहाँ से उड़ चुका है। और उड़कर कहाँ गए हैं तो बताया है कि वियत उड़ गया खोल निज पंख सुगंध, अपने पंखों को खोल कर सुंदर से पंखों को खोल कर वहाँ से उड़ चुका है। कवि कहता है पता नहीं कहाँ गया है, कोया ना किस गुहा कौन सी गुफा में गया है, कौन से घोंसले में गया है, किस मग कौन से रास्ते में वो गया है। क्योंकि अब आगे कवि बताए हैं कि तत्पश्चात रात्रि अंधकार पेड़ पौधे घना नीली नीली कोमल कोमल छाएं प्राणियों को मधुर सुकने भरता है। क्योंकि रात्रि शुरू हो चुकी है इसलिए सभी इस धरा पर जो भी जीव है, प्राणी है, मनुष्य है, वो अपने मधुर मधुर
हो जाते हैं। तो संध्या के पश्चात रात्रि शुरू होती है, उसका यहाँ कवि ने अंधकार का चित्रण किया है और गंगा की जल धारा का यहाँ दृश्यावली के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और इसमें कवि की कल्पना है, कवि कल्पना क्या करता है कि तरु शिखरों पर जो उड़कर पक्षी था वो कहाँ चला गया, कौन सी गुफा में चला गया, कौन से नीलहीन घोंसले में चला गया, कौन से रास्ते में चला गया, उसका यहाँ प्रयोग जो किया गया है वो चमत्कारी रूप से प्रयोग किया गया है। तो ये था पद इनका। अब आगामी इनका पद देखें, आगामी इनका जो पद है मैं आपको श्यामपट्टर न लिखते हुए वैसे ही आपको समझाऊं तो आप सुनने का प्रयास करें। अनेक हिंदी कविता संकलन है, ये जो पुस्तक है ये आपके पास होनी चाहिए, जिससे क्या है कि आपको समझने में आसानी रहेगी। चले दूसरा पद कि पश्चिम नभ में हूँ रहा देख उज्ज्वल अमंद नक्षत्र एक। कवि कहते हैं कि एक मैं देख रहा हूँ सुमित्रानंदन पंत, आकाश में जो विद्यमान एक तारा है। आप क्योंकि अपने कविता कौन से पढ़ रहे हैं, एक तारा। कवि कह रहा है कि ये जो आसमान है, इस आसमान में एक तारा है, एक क्या है, तारा है। उस तारे को मैं देख रहा हूँ जो उज्ज्वल है, पाक है, पवित्र है, जिसमें किसी प्रकार का धब्बा नहीं है। तो क्या बताया कि देख रहा हूँ पश्चिम नभ में, पश्चिम नभ में आकाश में मैं एक तारा देख रहा हूँ, वो उज्ज्वल है, अमंद यानी कि तेजयुक्त है। उस तारे को मैं देख रहा हूँ, अकुलिश यानी कि उसमें किसी प्रकार का धब्बा नहीं है, वो स्वच्छ है, वो जो मूर्तिमान है, ज्योतिष विवेक है, ऐसा विद्यमान एक तारा है आसमान में पश्चिम दिशा में, वो अटल खड़ा हुआ है यानी कि अटल है। एक तारा का वर्णन किया यहाँ पे। फिर बताया कि और में दीपत अमर टेक, और में दीपत अमर टेक, एक अंदर अंदर हृदय के अंदर एक सहारा लिया हुआ एक जगह स्थिर खड़ा है। भाई एक एक पंक्ति ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं ये। पश्चिम में दिशा में तारा है, वो आपको तारे के बारे में बताया, तेजयुक्त बताया, निर्मल बताया, आपको ये बताया। फिर बताया कि उसने एक अभिलाषा पाल रखी है, अमर टेक, एक ऐसी अभिलाषा अंदर पाल रखी है, एक ही जगह स्थिर रूप में खड़ा है। फिर आगे देखो, देख कभी यहाँ कल्पना की है कि एक जगह ही खड़े रहा या स्थिर रहा वो तारा, तो हमें जीवन में स्थिरता नहीं होनी चाहिए, हमें जीवन में सदैव गतिशीलता होनी चाहिए। ये संकेत ये साथ में ध्यान से सुनना कि हमें अगर हमें पे हम पैर जमा कर एक जगह ही खड़े रहें तो हमारे प्रगति के रास्ते हैं वो बाधक बन जाएंगे, हम आगामी बढ़ नहीं पाएंगे, हमें कदम दर कदम आगे बढ़ना है। तो ये तारा है, ये तारा पश्चिम में एक जगह स्थिर होकर सभी इस सृष्टि को निहार रहा है, इस सृष्टि को देख रहा है, एक अपनी पलकों से बिना पलक झपकाए एक तारा पश्चिम में अपने स्थिरता लिए हुए वहाँ सबको निहार रहा है। फिर बताया कि हृदय में इनकी लालसा है अनेक, हृदय में लालसा है अनेक, तो अमर टेक इतनी उसने क्या कर रखा है, ऐसी अभिलाषा को अंदर पाल रखा है। कहते किस स्वर्णाकक्ष का प्रतीक किसके समीप, कहते पता नहीं कौन सी आशा लेकर ये सदैव अपने आप वहीं क्या रहता है, उपस्थित रहता है, अपने आप वहीं सृष्टि को निहारता रहता है। फिर आगे बताया कि क्या उसकी आत्मा चिंतन है पलक नेत्रों का चिंतन, कहते हैं उसकी आत्मा में कभी तृप्ति का भाव आया ही नहीं, उनकी आत्मा में कभी तृप्ति का भाव आया ही नहीं, इसलिए आंखें फाड़ फाड़ कर पश्चिम की दिशा में वो सबको निहार रहा है। आगे बताया क्या खोज रहा है अपनापन, पश्चिम दिशा में वो जो तारा अपने सभी सृष्टि को निहार रहा है, आंखें फाड़ फाड़ कर सभी को देख रहा है। तो कवि सुमित्रानंदन पंत के माध्यम से बताते हैं कि वो तारा क्या अपनापन खोज रहा है, वो इस सृष्टि पर किसी को अपना
प्रेम प्रदर्शित कर रहा है, किसी को वो अपना बना रहा है या अपने किसी को चाह रहा है, तो कभी क्या बताते हैं खोज रहा है अपनापन, दुर्लभ रे दुर्लभ अपनापन। कवि ने बताया है कि इस संसार में अपनापन नहीं है किसी के साथ, सब दुनिया क्या है स्वार्थी है, कोई किसी का नहीं है। और वो तारा एक ऐसी अभिलाषा अमर प्रेम के साथ वहाँ उपस्थित पश्चिम एवं दिशा में सभी को अपने से निहार रहा है, अपनापन जा रहा है, अपने बाहें मिला कर है अपनी ओर आलिंगन करने का प्रयास कर रहा है। तो कवि कहते हैं कि दुर्लभ रे दुर्लभ अपनापन, यह संसार में कोई किसी का नहीं है, ये सब क्या है स्वार्थ है। यह व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है उस पर साथ साथ में अपेक्ष की है कवि ने, तो कहते हैं इस कारण इच्छाएं हमारी जो हमने इच्छाएं पाल रखी है वो फलित नहीं होती। तो आगे क्या बताया है दुर्लभ है दुर्लभ अपनापन, विषभहीन निर्जन, विषभ है ये तो सुनसान है या कोई किसी का नहीं है। जिस प्रकार आपने कविता पढ़ी होगी गिरद सॉरी कुंडलियाँ पढ़ी होगी गिरद कोई राय की, उसमें बताते हैं ना कि एक कुंडली आती है कि साई इस संसार में मतलब को व्यवहार, साई इस संसार में मतलब को व्यवहार, जब लागे गांठ में तब बोले यार। कहते हैं संसार में सब स्वार्थी हैं, मतलब का व्यवहार रखते हैं, जब तक आपके पास पैसा है तो सभी आपके यार हैं अन्यथा नहीं। तो बताया है इसमें कवि कहते हैं कि दुर्लभ है दुर्लभ अपनापन, यहाँ तो दुर्लभ है अपनापन, मिलना ही दुर्लभ है। तू बाहें फैला कर उनको आलिंगन करना चाहता अपने प्रिय पात्र को, वो बात यहाँ नहीं है, यह संसार तो क्या है सुनसान है। निष्फल इच्छा के निर्धन, जो इच्छाएं रखते हैं वो उतना ही गरीब होता है। वो कवि यहाँ पर अनुप्रास उपमा अलंकार के माध्यम से एक तारा के पश्चिम दिशा में जो विद्यमान है आंखें पार पढ़ के देख रहा है, जिसमें तेज है, जिसमें किसी प्रकार का क्या नहीं है दाग धब्बा नहीं है, उसके बारे में बताया। तो मैं ऐसा करता हूँ कि श्यामपट पे लिखा नहीं लेकिन फिर भी आपने साथ में आपके पास आधुनिक हिंदी कविता संकलन है उसमें इस अपने पाठ्यक्रम में लिया हुआ है, उसको अच्छी तरह से आप देखो साथ में या लिख लिया करो जो मैं यहाँ बोलता हूँ। यहाँ जो भी शब्द बोला जाता है वो आप अगर आपके पास पेन लिख हो तो उतार लिया करो, कई बार महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप सुन तो लेते हो लेकिन कई बार जीवन में उतार नहीं पाते, तो उसको अपने जीवन में उतारने से पहले आप निर्दिष्ट में तो उतार लिया करो। तो चले हम आगामी उनका दूसरा पद है उस पर चर्चा करते हैं। तो हमने बताया कि पश्चिम दिशा में एक धारा है वो निर्मल है पाक है पवित्र है, तो इसके बारे में हम चर्चा की। वो धारा है वो एक के देखो एक एक पंक्ति बीच में याद कर लिया करो, क्या बताया था मैंने आया था कि दुर्लभ है दुर्लभ अपना पद, दुर्लभ है अपना पन। कहते हैं अपना पन पाना बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ है दुर्लभ है अपना पन पाना बड़ा दुर्लभ है, कोई किसी को पा ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ व्यक्ति वर्तमान काल की जो व्यक्तिवादी प्रवृत्ति है उस पर यहाँ व्यंग्य किए हैं कवि ने, क्योंकि यहाँ की वृत्ति है वो स्वार्थी है, कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के बंधे हुए जीव हैं यहाँ पे। तो कहते हैं तू इतना इनको निहार रहा है अपनी आंखों से देख रहा है ये तेरा नहीं है, क्या बताए दुर्लभ दुर्लभ अपनापन। और फिर बताए ये निखिल लगता ये है निखिल विषम, लगता ये है निखिल विषम निर्जन, एक एक पंक्ति छोटे कैसे मिलना लिख लेना, मैंने आपको बताया था एक पंथ आपको समय मिले तो कवि सुमित्रानंद पंत की एक कविता है परिवर्तन, लंबी कविता है परिवर्तन झूठ पढ़ना, जीवन प्रकृति के बारे में बताते हैं जीवन की सार्थकता इसमें बताई है कि आज बचपन का कोमल का जरा का पीला पाल चार दिन की सुगंध चांदनी फिर अंधकार अज्ञात है, हमें चार दिन का ये जीवन मिला है, बचपन है तो कोमल है
हमारा शरीर जैसे बुढ़ापा आएगा तो जरा का पीला पात पत्ते की बंती पीले होकर गिर जाएंगे। चार दिन की सुगंध चांदनी, चार दिन का सुगंध हमारे जीवन मिला हुआ है, फिर पता नहीं अंधकार कितना का होगा। तो यही प्रकार यहाँ पश्चिम नव में देख रहा हूँ मैं कि एक तारा देख रहा हूँ उज्ज्वल है, जो अमंद है, जो नक्षत्र है, एक तेज है, यानी तेज युग लिया हुआ एक तारे के बारे में बताया। तो आज हमने इसके बारे में चर्चा की। आगामी एक तारा कविता के साथ फिर हम सुमित्रानंद पंत की कविता एक तारा के साथ फिर कल हाजिर होंगे। तब तक आप जो आपको पढ़ाया गया इसका मंथन करें, इनको अच्छी तरह से पढ़ें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।